हेलो, यू वाचिंग जी बिजनेस। आई एम योर होस्ट ऋतु शर्मा। एक बार फिर से स्वागत है आपका जी बिजनेस के एक नए वीडियो में। आरबीआई सेविंग्स बॉन्ड क्या होते हैं? जैसा कि नाम से ही साफ है, ऐसे बॉन्ड्स जो कि आरबीआई की तरफ से इशू किए जाते हैं। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए गए बॉन्ड्स होते हैं, तो यहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। पूरी तरह से रिस्क फ्री होते हैं ये। इसमें कोई भी भारतीय नागरिक अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल, ज्वाइंट और माइनर, तीन तरह के अकाउंट यहाँ पर खोले जाते हैं। जो माइनर अकाउंट है वो पेरेंट्स द्वारा ही हैंडल किए जाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखें, एनआरआई जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे आप 7 साल तक निकाल नहीं सकते, यानी कि 7 साल का यहाँ पर लॉक इन पीरियड होता है। बहुत कुछ रेयर कंडीशंस में ही आप यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं, अदरवाइज 7 साल के लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी तरह से लॉक हो जाता है। अब यहाँ पर आप कैसे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं? आप 1000 रुपए या फिर उसके मल्टीपल में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि आप ऑड अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10000, 50000 ऐसा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर आपकी जो सैलरी है वो इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं आती है, तो फिर आप जो है इस पर टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपको इंटरेस्ट अर्न होगा वो टैक्स फ्री होगा। लेकिन अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं तो यहाँ पर आप जो भी इंटरेस्ट अर्न करेंगे उस पर आपको टैक्स देना होगा। आरबीआई सेविंग बॉन्ड में सिंगल और ज्वाइंट दोनों अकाउंट होल्डर्स नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। अगर प्री मेच्योर विड्रॉल की बात करें तो किसी सीनियर सिटीजन ने अकाउंट खुलवा रखा है तो ही उन्हें प्री मेच्योर विड्रॉल अलाउड है, वो भी कुछ कंडीशंस पर। इसके अलावा प्री मेच्योर विड्रॉल अलाउड नहीं होता है। जैसे कि 60 से 70 साल के बीच अगर किसी सीनियर सिटीजन की एज है तो उन्हें 6 साल के बाद प्री मेच्योर विड्रॉल अलाउड होगा। 70 से 80 साल की उम्र वाले सीनियर सिटीजन के लिए 5 साल और 80 प्लस ईयर्स की एज में 4 साल के बाद विड्रॉल की परमिशन मिल जाती है। यहाँ प्री मेच्योर विड्रॉल पर 50% पेनल्टी देना होती है। इसके अलावा अगर बॉन्ड होल्डर की मौत हो जाती है तो ये नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। करंटली आरबीआई सेविंग बॉन्ड में 7.15% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। ये सेमी एनुअल पेड होता है, यानी कि 30th जून और 31st दिसंबर को ही क्रेडिट कर दिया जाता है। इसे परचेज करने की बात करें तो किसी भी नेशनलाइज या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाकर के आप इसे परचेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से दिया जा सकता है। कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पैन, आधार और फोटोज की जरूरत आपको यहाँ पड़ती है। अब यहाँ आपको कुछ बातों का रखना भी जरूरी है, जैसे कि ये बॉन्ड ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं। सिर्फ होल्डर की मौत के बाद ही नॉमिनी के नाम पर ये ट्रांसफर होते हैं। सिर्फ बॉन्ड होल्डर ही यहाँ पर नॉमिनी फाइल कर सकता है। और दूसरा, इन बॉन्ड्स के साथ सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड नहीं किया जा सकता। तो ये थी आरबीआई सेविंग बॉन्ड से जुड़ी सभी कुछ खास बातें। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहें जी बिजनेस। नमस्कार।